उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं इसके लिए अपने तरफ से और अपने क्षेत्र की जनता के तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदय प्रदेश के समुचित विकास की एक व्याख्या जब प्रस्तुत कर रही थी, उस समय समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यों का जो व्यवहार था उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये समाजवादी पार्टी के नेता जो आज डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के देश और प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों को भयभीत करने का काम करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज दलित समाज के लोग भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति की कुर्सी पर आसीन हो चुके हैं। दलित समाज, अनुसूचित जनजाति की महिला द्रौपदी मुर्मू आज देश के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठी हुई है, और जब चुनाव होता है तो ये चयन करते हैं सिन्हा साहब का और सदन में चर्चा करते हैं जनजात और अनुसूचित जात के उत्थान की। ये दोहरी राजनीति चलने वाली नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश के बंटवारे के समय मुस्लिम लीग पार्टी में ज्वाइन करा करके उस दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल को पाकिस्तान की धरती पर उन्हीं के सामने अपने समाज के लोगों के बहन बेटियों के इज्जत आबरू को देखने का वो कुछ चेहरा भी उन्होंने देखा था। हम डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी है जिन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की हम राजनीतिक ताकत को हासिल करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो पिछड़े समाज से पैदा हुए हैं आज उसके नेतृत्व में देश का समुचित विकास हो रहा है। आज जब पिछड़ा समाज देश का प्रधानमंत्री है, आज जब अनुसूचित जाति की महिला अनुसूचित जाति का व्यक्ति राजपथ रह चुका है, राजपथ है, यही सपना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, यही सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, जो सपना था अंत्योदय का, वो सपना आज भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमारे वरिष्ठ सदस्य संग्राम सिंह जी का तो परिभाषा सुन रहा था, ये कह रहे थे कि हमने इकाना बनाया, हमने लोक भवन बनाया, इकाना और लोक भवन बनाना था आपने बनाया, हम बना रहे हैं गरीबों की उन आवास को जो आजादी के इतने लंबे समय के बाद खुले आसमान में जीवन व्यतीत कर रहे थे, खुले आसमान में जीवन व्यतीत कर रहे थे, हम बना रहे हैं उनकी जिंदगी जो आज आईएएस और आईपीएस बन करके राजनेता बन करके अपने समाज के तस्वीर और तकदीर को बदल रहे हैं, हमको उस दलदल में फंसाना चाहते हैं। मैं उस दलदल में फंसने वाला नहीं हूं, मैं विकास के रास्ते पर चल चुका हूं। मेरा जो लक्ष्य है कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य है दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं किंतु पथ के कंठकों को हम सुमन ही मानते हैं, लक्ष्य प्रेरित बाढ़ है हम ठहरने का काम कैसा और लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथिक विश्राम कैसा। आज अनुसूचित जाति के लोगों को, आज पिछड़े समाज के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हो समाजवादी पार्टी के लोगों, अगर जरा सी भी आपके अंदर संवेदना है तो उस सूची को उठा लीजिए, 403 विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं और देश की प्रदेश की सम्मानित जनता ने कितनी संख्या में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के अनुसूचित जाति और जनजाति के विधायकों को इस पवित्र सदन में भेजने का काम किया। आखिर क्या कारण है, बहुत से ऐसे प्रयास आपके द्वारा 2022 में किए गए, किसी को बताया गया कि पेंशन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट न दो, व्यापारी को भड़काया गया जीएसटी के नाम पर, नौजवान को भड़काया गया रोजगार के नाम पर, किसान को भड़काया गया बिजली बिल के बाधी के नाम पर, लेकिन देश की या तो प्रदेश की जनता ये जानती है कि नरेंद्र मोदी और योगी तो ऐसे संत हैं जिनका अपना घर और परिवार नहीं है, घर और परिवार अगर है तो इस देश और प्रदेश की अनुसूचित
जात जनजात पिछड़े समाज और सर्व समाज में पैदा हुए लोगों के लिए है। इसलिए आज जो आज के लोगों ने इस सदन का बहिर्गमन किया पिछड़ों के नाम पर, वो पिछड़ों के नाम पर नहीं, एक परिवार को फायदा दिलाने के नाम पर हो रहा है, एक परिवार को फायदा दिलाने के नाम पर हो रहा है। अगर पिछड़ों के हित ऐसी होती तो माननीय अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सीट को छोड़ा तो धर्मेंद्र यादव क्यों, नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिंपल यादव को क्यों नहीं कोई परमा, क्यों नहीं कोई प्रजापति, क्यों नहीं कोई विश्वकर्मा, क्यों नहीं कोई शर्मा हो सकता है, क्यों नहीं कुशवाहा हो सकता है। इसलिए मैं आज समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें वो भी दिन याद है 2 जून 1995 की, वो घटना याद है जब आपने एक दलित की बेटी जब मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ रही थी तो आपने उसकी जान लेकर के राजनीति को समाप्त करने का निर्णय लिया था। मैं धन्य हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि 177 विधायक होने के बावजूद भी 67 विधायक वाली दलित समाज की बेटी मुख्यमंत्री बनाने का काम अगर किसी ने किया तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। कहा गया था आपका दलित का प्रेम, कहा गया था आपका पिछड़े का प्रेम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 में जब यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठते हैं तो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जहां होता है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जनपद के मुहू छावनी नामक उस स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर के पहुंचते हैं और डॉक्टर अंबेडकर के जन्म से लेकर के जहां उन्होंने अंतिम सांस लिया ऐसे 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करके भारत में ही नहीं अपने पूरे विश्व में रहने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोगों का सम्मान करने का काम। जहां तक सवाल पिछड़े समाज का है, देश के आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री बनना था, मैं उस पकड़े में नहीं जाना चाहता हूं कि क्यों नहीं बने, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी उस लौह पुरुष के स्मृति में गुजरात की पावन धरती पर विश्व की सबसे बड़ी इमारत स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करके नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश नहीं पूरे विश्व में पिछड़ों का सम्मान करने का काम किया। इसलिए आज राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया आज ये प्रदेश उस रास्ते पर चल चुका है जिसका सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और छत्रपति साहू जी महाराज ने देखा था। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वरिष्ठ सदस्य माननीय नीलकंठ तिवारी द्वारा प्रस्तुत किए गए उनके वक्तव्य से मैं अपने आप को संबद्ध करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भड़क उठे ना कहीं ऐसी हवा ना दो यारो और आज नफरत की जहां देखो बुझा दे यारो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम, जय भारत।